खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दर्दनाक खबर फरीदाबाद से, जहां पर आज सुबह एक प्राइवेट स्कूल में आग लग गई। आग की वजह से स्कूल संचालक के दो बच्चों और एक महिला की मौत हो गई है। स्कूल के नीचे एक कपड़े की दुकान है और ऊपर की मंजिल पर स्कूल संचालक अपने परिवार के साथ रहता है। पहले आग कपड़े की दुकान में लगी और फिर स्कूल में लगी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सुबह सुबह का वक्त था इसलिए बच्चे स्कूल में नहीं थे, नहीं तो सोचिए यह हादसा कितना भयानक हो सकता है। ये दलाने वाली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल के नीचे कपड़े की दुकान थी, पहले कपड़े की दुकान में आग लगी और फिर स्कूल में भी आग लग गई। स्कूल संचालक के दो बच्चे और एक महिला की मौत की खबर मिल रही है। सुबह का वक्त था इसलिए स्कूल खाली था, बच्चे स्कूल में नहीं थे, नहीं तो सूरज जैसी घटना यहां पर भी दोहराई जा सकती थी। और तस्वीरें उस वक्त के हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त स्कूल में आग लगी थी। ये फरीदाबाद में ये स्कूल है, जहां पर नीचे कपड़े की दुकान थी और भी कुछ दुकानें थी, और कपड़े की दुकान में सबसे पहले आग लगी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भयानक हादसा हुआ, जिसमें दो बच्चों, स्कूल संचालक के दो बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। फरीदाबाद की खबर है, जहां पर आज सुबह एक प्राइवेट स्कूल में भीषण आग लग गई और इसमें स्कूल संचालक के दो बच्चों और एक महिला की मौत की खबर आ रही है। नीचे कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ये आग बढ़ते बढ़ते स्कूल तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि स्कूल खाली था, सुबह का वक्त था इसलिए कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुबह अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि यहाँ ANDE कॉन्वेंट स्कूल में आग जली हुई। हम तुरंत मुलाजमान के साथ मैं मौके पहुंचा हूँ और अग्निशमन विभाग की दो ये फायर ब्रिगेड भी मौके पर आए हुए हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया, स्थिति नियंत्रण में है और जो हताहत है उनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। तो अभी देख रहे हैं कि किन कारणों से आग लगी हुई। कितने जनों को निकाला गया है? अभी दो बच्चे हैं। क्या नाम है सर आपका? ढोल भटाना माधवी। क्या हुआ यहाँ पर, कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिस कारण लगी है वो कारण क्लियर नहीं हो पाया, क्लियर हो जाएगा। बाकी बिजली विभाग को हमने जो प्रसार रोडों पर लगे हुए हैं, जहाँ तार कटे हुए हैं उनकी शिकायत दे रखी है लिखित में, दो साल पहले कंप्लेंट दे रखी है। तार नीचे है उनको उच्च करने की शिकायत दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार कह चुके हैं, मुझवानी कह चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। गनीमत यह रही कि एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। हालांकि दो मासूम बच्चों और एक महिला की मौत जरूर हो गई है।